फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गार्डन फॉर टेल्स। आज मैं मेरा ये जो साउथ ईस्ट का विंडो है जो मेरा डाइनिंग साइड में है, यहाँ पर मेरा अच्छा धूप आ जाता है 4-5 घंटे के लिए, तो मैं आज इसका जो मेकओवर करूँगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं इसको साफ कर रही हूँ, बहुत ही गंदा है और ये आउटर की तरफ ज़्यादा स्पेस है, तो सारा मैं इस आउटर सरफेस में ही इसका अरेंजमेंट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मैक्सिमम पौधे इसी साइड में ही रखना है। जैसे ये इसका चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 8 फीट है, तो पूरा इसको साफ़ करके हम इसके ऊपर की तरफ एक सूखा लकड़ी, इसको जो फैसनर लगाए थे उसी में लगा रहे हैं। ये मैं 2 जाली लगा रही हूँ जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2 का 200 आया है। जैसे मैं ये ऊपर एक लगाई और उस लकड़ी में ये लोहे का जो तार का जो रिंग बना के दी हूँ, जो कि मुझे हैंगिंग प्लांट इसमें लगाना है। और इसमें मैं वाइट स्प्रे पेंट लगा रही हूँ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और ख़राब नहीं होता है। जैसे मुझे ज़्यादा कॉस्टली इसमें कुछ लगाना नहीं था, तो मैं ये एक धागे से जो थ्रेड आता है उसी में बनाई हूँ, जो कि गमले में भी, गमले सारे इसमें भी मैं हैंग कर सकती हूँ। हैंगिंग गमला नहीं होने से भी हम इसमें बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं सारे प्लांट्स को। सूखे लकड़ी से मैं एक DIY की हूँ, जो कि मेरा जो यूज एंड थ्रो पैक आता है डिब्बा, उसी में मैं एक जैसे हमारा जो घर होता है उसका शेप देके उसमें 2 जो यहाँ के जो कठपुतली होते हैं जयपुर के, वो लगाई हूँ। तो ये मुझे यहीं पर इसी विंडो में डेकोरेट करना है। मैं लकड़ी में, ऊपर की लकड़ी में 5-6 आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे हैंगिंग प्लांट लगाई हूँ। 6 पौधे मैं यहाँ पर हैंगिंग की हूँ और ये एक खेजरी का जो सूखा लकड़ी भी रखी हूँ यहाँ पर, उसमें मैं सारे कैक्टस हैंग की हूँ। और ये जैसे आप देख रहे हैं ये फूलों का पौधा बहुत सारे इस पर रखी हूँ, क्योंकि धूप चाहिए इनको थोड़ा 2-3 घंटे। और ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम भी हुआ है। स्ट्रॉबेरी पूरा पके हुए हैं और कुछ जैसे धूप में रहने से अच्छे इसमें फल आ रहे हैं। और ये जो सूखा मिर्चा है ये मैं इसी में ही धूप आती है इसीलिए इसमें सुखाई हूँ। ये पूरा बेस मुझे मिल गया है एक मिडिल में, मैं इसमें भी आप देख रहे हैं जैसे कैक्टस सारे रखती हूँ। और ये जाली है, इसमें भी मैं हैंग करके नीचे भी 6-7 पौधे यहाँ पर रखी हूँ। जैसे मेरा तो पूरा 4 गुना बढ़ गया है इसमें पौधे। और ये देखिए फूल सारे पेटूनिया वगैरह इसमें लगाई हूँ, सारे सीजनल हैं। और ये टमाटर भी हुआ है और ये बहुत सारे पौधे मेरे इस तरफ भी रह गए। और ये जाली को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ एक सपोर्ट दी हूँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे मैं इसके ऊपर रखी हूँ, पूरा अच्छा सपोर्ट है इसमें।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा मेकओवर जो पहले आप देख रहे थे, और ये काफ़ी सारे पौधे इसमें रह गए हैं जो ब्राइट सनलाइट रिक्वायर करते हैं, मैं इसी में इस तरफ ही रखी हूँ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा मेकओवर ज़रूर बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, लेट्स डू ग्रीन, बाय बाय।